हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारा ये कोर्स शुरू से फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने हमारा कोर्स फॉलो नहीं किया है और सीधे इस वीडियो पे आ रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा, तो आप जो है शुरू से फॉलो कीजिए वीडियो, तब ये वीडियो समझ आएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम जो है स्केल्स के बाद ईयर ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, लिसनिंग प्रैक्टिस पे, क्योंकि हमें आखिरी में क्या करना है, पूरे गाने को सुन के खुद से बजाना है, ठीक है। तो उसके लिए लिसनिंग प्रैक्टिस जरूरी है, ईयर ट्रेनिंग जरूरी है, आपके कानों को ऐसे ट्रेन करना है ताकि कोई भी आप धुन सुने, कहीं भी म्यूजिक सुने तो उसके सुर सीधे आपको समझ आ जाए और आप कीबोर्ड में उसे प्ले कर सको, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको अलंकार के बारे में बताऊंगा, अलंकार जिसको हम पलटा भी बोलते हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ये वीडियो को आप पूरे देखिएगा। अलंकार से ना आपको जो है इसके पिच समझ आते हैं, पिच मतलब इसके सुर हाई जा रहे हैं लो जा रहे हैं। अगर हम कीबोर्ड में राइट साइड की तरफ बढ़े, अगर यहाँ से स्टार्ट करें इधर बढ़े तो आवाज़ पतला होते जाता है, राइट साइड की साइड जाए, ठीक है। पतला हो रहा है मतलब वो हाई जा रहा है सुर, नीचे जाए या पीछे जाए इधर तो उसको बोलते हैं कि वो लो जा रहा है, नीचे की तरफ मोटा हो रहा है आवाज़, इधर जाते हैं पतला होता है, इधर जाते हैं मोटा होता है। तो जो गाना आप ध्यान से सुनेंगे ना तो वैसा ही रहता है सुर, उसमें वैसे ही लगे रहते हैं, कहीं पे हाई जाता है पिच, पतला होता है आवाज़ सिंगर का, कहीं पे लो जाता है। तो उसको हमको समझना है और उसको समझने के लिए ना आपको ये अलंकार प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आज इस वीडियो में ना दो अलंकार बता रहा हूँ, आपको पूरा बहुत सारे अलंकार प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप जो है हमारा बुक ले लीजिए, उसमें 35 नंबर पे है, पियानो जीरो से हीरो बुक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहाँ जाके इसे परचेज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए और म्यूजिक थ्योरी में कोई जो है प्रॉब्लम ना जाए। उसमें 35 नंबर पेज में अलंकार दिया है, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करने है। पूरे टोटल 17 अलंकार है, मैं आपको दो अलंकार बता रहा हूँ शुरू के, बाकी आपको बुक देख के जो है प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जो है ना सबसे पहले एक तानपुरा का आवाज़ आप डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी, वहाँ पे लिखिए सी शार्प तानपुरा साउंड, ठीक है, सी शार्प का है तानपुरा, आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आप उसको स्पीकर में चालू कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है सारे गामा प ध निशा की प्रैक्टिस करनी है, सरगम की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट होगा यहाँ पहली काली मतलब सी शार्प से, ठीक है, नोट्स ये आएंगे, हारमोनियम का आवाज लगा लीजिए और नोट देखिए ये आएंगे सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी और सी शार्प, ठीक है, सारे गामा प ध नी सा, ठीक है। इस सरगम से आपको प्रैक्टिस करनी है। हम लोग सीधे की तरफ जाते हैं उसको आरोह क्रम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, पीछे की तरफ जाते हैं उसको अवरोह क्रम बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमको सारे गामा प ध नी सा असेंडिंग ऑर्डर में, आरोह क्रम में, और सानी धा प म ग रे सा वापस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जो है ना आपको क्या करने हैं, सबसे पहले इसके सुर को समझना है। जैसे हम सी शार्प से डी शार्प में जा रहे हैं, देखिए आवाज बदल रहा है ना, मतलब सी शार्प से डी शार्प में जा रहे हैं तो पतला हो रहा है आवाज। तो गाने पे जब भी गाना सुनेंगे ना तो आपको हमेशा सिंगर जो गा रहे हैं उसके साथ साथ गाना है। आप उसको छोड़ दीजिए, अपना आवाज जैसा भी है, मेरा आवाज अच्छा है नहीं है वो आप छोड़ दीजिए, सुर में मिलाना है बस आपको। साथ में गाएंगे ना, ईयरफोन लगाइए, गाना चालू कीजिए, साथ में गाइए तो आपको लगेगा कि वो मिल रहे कि नहीं आवाज, वो आपको समझ आएगा, ठीक है। वैसे ही हमको यहाँ पे मिलाना है, जैसे सी शार्प हम लोग दबाए, यहाँ से जो आवाज निकल रहा है ना उसको अपने से मिलाना है, ठीक है, हमको गा के सा बोल के मिलाना है उसको, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, तानपुरा का आवाज डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्ले कीजिए, और पहला अलंकार है आरोह क्रम में सारे गामा प ध नी सा, इसको मिलाइए सा बोल के, बिल्कुल मैच हो रहा है आवाज। वैसा ही ना आप पहले सा बोल के सभी नोट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सारे गामा प ध नी सा बोल के ही आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं करके बताता हूं, ये पहला अलंकार है, ठीक है, सा, सा,
ये सा बोल के मैंने प्रैक्टिस किया, सी शार्प से सी शार्प तक, उसके आगे भी मत जाइएगा, थोड़ा सा आपका गला ख़राब हो सकता है अगर आपका गला मतलब जो है आवाज़ है उसका रेंज है वहाँ तक नहीं जाएगा तो। ठीक है, सा बोल के प्रैक्टिस किए, आगे की तरफ गए, इसको बोलते हैं अवरोक्रम, आवाज़ पतला होते गया हाई पिच की तरफ। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे, अब इसको सारे गम पधनी सा बोल के करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको पूरा लगना चाहिए कि आवाज मिल रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला अलंकार, बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी है आपको, पूरे समझ आने चाहिए उसके जो फ्रीक्वेंसीज है वो समझ आने चाहिए। अब मैं इसमें से पांचवा अलंकार है, बुक में देखिए 36 नंबर के पेज में है पांचवा अलंकार, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पूरे 17 टाइप के जो अलंकार है उसको ना एक एक करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पांचवा अलंकार क्या है, ठीक है, ये वाला अलंकार है, अवरोह क्रम में भी सेम है, तो इसको प्रैक्टिस सेम करेंगे वैसे ही। देखिए, ये मैंने आपको दो प्रकार के अलंकार बताया, आप बुक में देखिए, परचेज कर लीजिए उस बुक को, बहुत अच्छा बुक है, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे उसको लेने के बाद। ठीक है, और आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको सुर जो है समझ आने लगे, और गाना बहुत ज़्यादा बार सुनना है आपको। ठीक है, ज़्यादा गाना सुनेंगे तो आपको सुर की जो है जानकारी जल्दी होते जाएगी। ओके, और नॉर्मली नहीं सुनना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाना सुन रहे हैं तो फील लेने के लिए बस नहीं सुनना है, उसमें आपको हर चीज़ देखना है, उसका म्यूज़िक और कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, बीट कैसे है, सब चीज़ उसमें देखना है। तो ये रहा आज का वीडियो, होप आपको समझ आया होगा, और आगे हम जो है ना एक एक्सरसाइज करेंगे ईयर ट्रेनिंग का, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।